This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. मनीष लास्ट में समझ में आया था वो रिवर्स? हाँ इमेज मैंने करके नहीं देखा, लेकिन अभी तक बात ये है, मैं करूंगा, एकदम करूंगा मैं रात में, एक मेटा डेटा, मेटा डेटा निकालो दो तीन इमेज का, क्योंकि वो बहुत काम की चीज है। रिवर्स इमेज सर्च तो उतना काम का नहीं है, यूजफुल है ऐसी बात नहीं है, बट मेटा डेटा अगर निकालना है तो बहुत काम आएगा, क्योंकि जब सीटीएफ वगैरह करोगे तो वहाँ पे क्या पता कुछ कोई ऐसी मशीन, हाँ वो सीटीएफ पता नहीं क्या मिल जाए, वही काम है ना उस दिन वो, तुमको वहाँ पे पासवर्ड वगैरह हिडन हो सकता है, किसी यूजर का पासवर्ड भी हिडन हो सकता है वहाँ पे, रीड राइट की परमिशन चेक करो वहाँ से, उसके लिए यूजफुल है करना मेटा डेटा एग्जिस्ट, या पीडीएफ है तो पीडीएफ, ठीक है। हेलो, ओके, हाँ अभिषेक यार, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पे डाटा इमेज ट्रांसफर करते हैं तो वो मेटा डेटा खत्म कर देता है उसका, मे भी हो सकता है, तुम्हारी बात सही है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ सारा नहीं करता, उसका कोई तरीका वगैरह नहीं है? देखो बात क्या होती है, जैसे देखो एक सिनेरियो होता है कि अगर तुमने मान के चलो मैंने एक इमेज क्लिक किया, ओके, मैंने उसको अपनी गैलरी में सेव किया, बट लास्ट केस में क्या हुआ, जो वो इमेज है उसको मैंने ओपन किया बट उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज दिया, तो जो पुराना इमेज का मेटा डेटा था वो उसमें नहीं आया, वो जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो तब उसका मेटा डेटा उसमें आ जाता है, ऐसा सीन होता है, बाकी यूजफुल होता है ऐसी बात नहीं है, अच्छे से अगर फॉरेंसिक कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, एक इमेज का मेटा डेटा आराम से निकाल सकते हो, बहुत सारे वे, उसका भी वे है, तुम्हारी बात सही है कि अगर हम बार बार किसी फाइल को शेयर कर रहे हैं मेटा डेटा चेंज होता रहता है, और इसके मिटिगेशंस भी हैं, लाइक अगर तुम क्लिक कर रहे हो तो भाई लोकेशन वगैरह ऑफ रखो अपना, एंड डिवाइस के ऑप्शंस भी होते हैं, लाइक जैसे कुछ लोग इमेज क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डिवाइस का नेम भी आता है, तो वो सारा सिस्टम ऑफ रखो, जितना कम हो सके उतना कम रखो, क्योंकि डिटेक्ट ज़्यादा दिक्कत तो लोकेशन के साथ ही है, लोकेशन ऑफ रखो, एंड एंड्रॉइड के साथ ज़्यादा ही है, iOS ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करता, अगर तुम्हारा लोकेशन ऑन भी है तब भी iOS नहीं देता मेटा, एंड्रॉइड केस में 100% वो देगा, अगर लोकेशन ऑन है तो मे भी दे सकता है, एंड अगर ओल्ड वर्जन का है फ़ोन तो और ज़्यादा देगा वो, ठीक है तो यही है, बाकी प्रैक्टिस करना, देखना अपने ही इमेज के ऊपर प्रैक्टिस करना, दो चार क्लिक करो उनके ऊपर मेटा डेटा निकालने का ट्राई करो, लोकेशन ऑन करके चेक करो, कैमरा की सेटिंग चेंज करके ट्राई करो कि क्या क्या मेटा डेटा चेंज हो रहा है, वही सारी चीज़ें हैं, आज हम करेंगे ईमेल फाइंड का, ठीक है, कि हम ईमेल कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी एक डोमेन का ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हमको एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नेम पता है तो उसका हम अगर ईमेल डंप करना चाहें तो कैसे करेंगे, बहुत ही यूजफुल है, मैं ये नहीं बता सकता कि उस ईमेल का हम कहाँ पे यूज करेंगे, वो बाद में शेयर कर लेंगे क्योंकि वो परमिशन नहीं होगा, लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने कुछ ऐसे ही गलती की थी, मेरा वीडियो डिलीट हो गया यूट्यूब से, तो जिस अरे हाँ वो क्या क्या हुआ था भाई, तुमने दी थी फोटो भेजा था, हाँ नहीं उसका नोट्स पड़ा है, ऐसी बात नहीं है, जो मैंने समझाया है, अगर किसी को दिक्कत हो रही होगी समझ में तो मुझे पर्सनली पूछ लेना, चाहे डिस्कॉर्ड पे चाहे जिस पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, वो बात नहीं, वो केस क्या हो गया था, कैसा केस, नहीं नहीं मतलब वीडियो डिलीट क्यों हो गई थी तुम्हारी, वो आई थिंक कुछ रहा होगा उसने, उन्होंने ऑटोमेटिक डिलीट कर दी, वो कम मतलब स्ट्राइक भी नहीं आया, वो जस्ट मुझे जहां तक लग रहा है ना उसमें मैंने गलती से सेटिंग कर दी थी पेड प्रमोशन की, आई थिंक क्लिक कर दिया था, तो उसके वजह से भी हो सकता है कि चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, तो उसका भी हो सकता है रीजन, बाकी वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था अपलोडिंग के टाइम पे कि इसमें कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नोट्स तो पढ़ा है सबके लिए, पढ़ सकते हो, ठीक है, तो अभी हम करते हैं, किसी को पता है कुछ टूल्स के बारे में जिससे हम ईमेल डंप कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी पर्सन का, CS में तो पढ़े होंगे कुछ ना कुछ, पढ़ा है किसी ने? हेलो गाइस, अभी तो ईमेल एक्सट्रैक्टर के बारे में पढ़ा है, किसके बारे में, हंटर,
हंटर मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है उसके बारे में। हंटर देखो एक एक्सटेंशन भी होता है ये तुम्हारा हंटर का, एक और आता है ईमेल हार्वेस्टर नाम से, शायद से होता है ना, मैंने ये हार्वेस्टर सुना भी है। आता है, इसमें साइन इन कर सकते हो, बट साइन इन के लिए एक प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए परेशान मत होना, उसमें वर्किंग ईमेल मांगता है, तो वर्किंग ईमेल तभी मिलेगा तुमको जब तुम्हारे पास पर्सनल एक डोमेन होगा, लाइक तुम्हारे पास एक वेबसाइट होगी, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होना, नॉर्मल अभी बहुत सारे वे हैं फाइंड आउट करने के, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को। यहाँ पे क्या करना, प्राइसिंग प्रोडक्ट कंपनी टूल वगैरह से लेते हैं, वेबसाइट ही पता है थोड़ी बहुत। ऑप्शन प्रोडक्ट में आ रहा है, डोमेन सर्च, ईमेल फाइंडर, ईमेल वेरीफायर। अच्छा ये बताओ ईमेल फाइंडर एंड ईमेल वेरीफायर में क्या डिफरेंस आ जाएगा? जैसे नाम में ही दिख रहा है उसमें, ईमेल वेरीफायर तो ईमेल वेरीफाई करेगा, फाइंडर है वो वेरीफाई फाइंड करेगा करेगा क्या? ईमेल। वेरीफाई करेगा क्या? देखो वेरीफाई क्या करेगा? रुको, जैसे पासवर्ड शायद से हो सकता है, वो पासवर्ड वेरीफाई करे। नहीं पासवर्ड नहीं, जैसे तुमने एक ईमेल फाइंड आउट किया, ठीक, मान के चलो किसी ऑर्गेनाइजेशन का या टेस्ला का ही जैसे एग्जांपल ले लो, टेस्ला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर तुमने ईमेल फाइंड आउट किया, बट क्या तुमको पता है कि वो ईमेल अभी वर्किंग सिचुएशन में है या नहीं, ये पता होगा तुमको? हाँ, तो उसके लिए हम ईमेल वेरीफायर का यूज करते हैं कि ये चेक करके बताता है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम पे यूज हो रहा है या नहीं, वो मतलब वो क्या एक्टिव, मतलब वो वैलिड है एक्टिव या है नहीं, आखिर ये या भी नहीं, बताएगा क्या चीज, वो एक्टिव है या नहीं है। हाँ वो एक्टिव है या नहीं, या फिर वो वैलिड ईमेल है या नहीं, क्योंकि ईमेल तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन और ईमेल फाइंडर क्या करेगा? ठीक फाइंडर जस्ट ईमेल फाइंड आउट करके लाएगा, तुमको डंप करेगा। है। अभी इसका हम देखेंगे एग्जांपल, ईमेल फाइंडर पे हम जैसे जाते हैं अगर, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे एंटर अ फुल नेम, ठीक, अगर मैं कर दूं इलोन मस्क का, एलोन नहीं इलोन, एंड कंपनी अगर हम कर देते हैं टेस्ला, ठीक है, क्या ये लेके आएगा कुछ इंफॉर्मेशन, टेस्ट फुल नेम ऑफ पर्सन, देखते डॉन मत पूरा डालो पहले। हाँ हैं आ रहा है कुछ इंफॉर्मेशन, डोमेन ये ईमेल नहीं है, ये डोमेन है, है फाइंड ईमेल बाई कंपनी पे जस्ट जाते हैं, ठीक है, अगर हम जस्ट टेस्ला करते हैं, आ गया, हाँ। ये देखो सारे ईमेल आ रहे हैं, बट ये अभी तुमको ब्लर इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि तुमने लॉगिन नहीं किया है, ठीक है, तो ट्राई करना इसका कोई ना कोई वे, ट्राई करना, खोज लेना एंड लॉगिन कर लेना, अकाउंट क्रिएट कर लेना, अगर कर लोगे तो अच्छे से सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लाइक थ्री सोर्सेज और हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, ये चीज़ ये रिफर करती है, ठीक है, ठीक ये जो ईमेल डंप हो रहे हैं ये यहाँ से, ये सोर्स जो है इसका यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ देखो ये रिमूव भी दिखा रहा है, तो इसको फिर हम वेरीफाई भी करेंगे, तो वो वेरीफायर का काम हो जाता है कि हम वेरीफाई करेंगे जो ये ईमेल हमको मिल रहा है ये अभी और ये प्रेजेंट, 99% ये सब ये क्या दिखा रहा है, ये वो रेटिंग क्या कर देखो रही है। हाँ वो वैसे वैलिड होता है 100% मान के चलो कि वैलिड होता है, जो मिलेंगे वो वैलिड मतलब मिलेंगे वैलिड, बाकी ट्राई कर लेना वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, लाइक अगर क्या पता कोई एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ईमेल तो मिल गया, बट क्या पता वो अगर वो एम्प्लॉय वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो नहीं, उसका वैलेट ईमेल, का मतलब क्या किया? सॉरी, वैलेट का मतलब क्या, वर्किंग में है या फिर मतलब या फिर वो वेरीफाइड, मतलब या फिर वर्किंग में है या फिर वो वेरीफाइड है, जेन्युइन है, वेरीफाइड दोनों में नहीं, से एक मतलब होगा ना। वेरीफाइड नहीं, बस इतना समझो हाँ वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, एग्जांपल समझो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई है, अगर वो वर्क कर रहा है वहाँ पे, जब तक वो वर्क कर रहा है उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर ईमेल करके रखा है कि आपको इसी ईमेल पे सारा इन्फॉर्मेशन सेंड करना है या रिसीव करना है, ठीक, बट इन द केस अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, अगर उसका ईमेल भी उस ऑर्गेनाइजेशन से डिलीट कर दिया जाता है, बट डेटा में अगर कहीं आ रहा है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में वो ईमेल अभी करंट टाइम पे वर्क नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जस्ट हम वेरीफायर का यूज़ करेंगे, अभी देख लेंगे चलो वेरीफाई कैसे करना है, वो भी सारी चीज़ें देख, एंड फिर आपका आ जाता है भाई एक आध होता है फोन बुक करके, बिल्कुल ये चीजें सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। अच्छा अगर तुम इस टूल का यूज नहीं करना चाहते, अगर तुम
किसी पर्सन को मैनिपुलेट कर ले जाते हो, उसका ईमेल फाइंड आउट, वो ईमेल बता देता है, तो भी वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है वो। फिर एक होता ही है phonebook.cz करके वेबसाइट है, इस पे भी ईमेल डंप कर सकते हो। यहाँ पे इस पे लॉगिन करना पड़ेगा, इस पे जाके अकाउंट बना लेना। एंड इस पे लिमिटेशंस हैं, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कर सकते हो अगर तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे लाइक स्पेस एक्स कर दूँ, स्पेस एक्स भी पता होगा, इलोन मस्क स्पेस की, एक्स, हाँ वो इलॉन मस्क की कंपनी। मैं सबमिट करता हूँ, नो मोर रिजल्ट्स। ओके, .com कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, इंफॉर्मेशन इतने सारे ईमेल यहाँ पे देखो, मैं ब्लर भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, कितने ईमेल हैं टेस्ला डॉट कॉम से रिलेटेड, सारे आ रहे हैं यहाँ पे। जरूरी थोड़ा ना कि हर कोई टेस्ला का ही वो नहीं, रिलेटेड वो हो। हम वेरीफाई करेंगे ना बाद में कि कौन सा, अगर बाई चांस तुमको अगर इलोन मस्क को मेल ही करना है तो यहाँ से ट्राई करो, क्या उसके किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कुछ टूल्स ऐसे होते हैं मैं बाद में बता दूंगा, कि वो डिपार्टमेंट का डिटेल तुमको दे देंगे कि कौन से डिपार्टमेंट का मेल है ये। ठीक है, वो एक्सटेंशंस आते हैं क्रोम के, मैं बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी ठीक अभी यहाँ पे ईमेल डंप हो रहा है ना, ये देखो test@test.com, इलॉन टेस्ला डॉट कॉम, जेरोम करके, तो इसको फिर यहाँ से उठाओगे बाद में। खैर अभी बता दूंगा वेरीफाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ठीक कुछ टूल्स गूगल भी कर सकते हो, लाइक हंटर ही आ रहा है, snob.io आ रहा है, ये भी है तुम्हारा। ठीक है, एक फिर आ जाता है ईमेल फाइंडर, आई थिंक किया था बट ये वर्क नहीं कर रहा अभी सही से, इस पे भी लॉगिन का इशू आ रहा है कुछ। इस पे भी वही सेम, डोमेन या नेम दे के कर सकते हो। ठीक है, ये सारी वेबसाइट को डंप करना, गूगल करना, डंप करना इनको, एंड जितने भी मिलेंगे ट्राई करना कौन सी वेबसाइट, क्योंकि क्या पता अगर आप बाद में कर रहे हो तो कुछ नई वेबसाइट्स भी आ जाएं। मान के चलो अभी ठीक है कि अभी हमको इतने ही दिख रहे हैं टॉप के, क्या पता बाद में कोई ऐसा टूल आ जाए, कि अभी तो फिलहाल हंटर बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा हंटर है। एंड इसका एक्सटेंशन भी इंस्टॉल पे भी, फायरफॉक्स पे भी। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मान के चलो अगर मुझे ये ईमेल मिला पूरा, ओके, हेलो, इसमें आपको हाँ भाई, आवाज आ रही है ना, हाँ आ रही है। अगर ये ईमेल हमको मिला, अगर हमको इसको वेरीफाई करना है, इसको कॉपी कर लेंगे, एक वेबसाइट होती है ईमेल हिप्पो करके, वेरीफाई ईमेल आ गया, हम इस पे जाएंगे, जस्ट ईमेल को नॉर्मल सा काम है, ईमेल को क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करो, वो करो, ये अभी बता देगा रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट ओके आ रहा है। हाँ तो ओके रहा है, लेकिन हाँ ओके आ रहा है, इसका मतलब ये वैलिड ईमेल है और प्रेजेंट टाइम पे वर्किंग है, वर्किंग कंडीशन में है, मतलब अगर तुम ईमेल पे मेल करोगे तो मेल जाएगा या आएगा, समझ में आ गया, या दूसरा उठा के देख लेते, दूसरा उठा लेते, लाइक ये वाला चेक कर लेते हैं, test@tesla.com, तो यहाँ से चेक कर सकते हो, बस इतनी सी बात है। और ये बहुत ही काम की चीज़ है, इन सबको लोग स्किप कर देते हैं लर्निंग टाइम पे कि हम क्या करें, बाद में रियल टाइम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अगर आ रहे हो या बग हंटिंग में आ रहे हो, इन सारी चीज़ों का यूज करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रख लो, क्योंकि ओसेंट सबसे पहला स्टेप होता है फुटप्रिंटिंग, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग या ओसेंट या फुटप्रिंटिंग, वो इथिकल हैकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि टारगेट के बारे में जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन तुम गैदर करोगे या कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन, उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए या इथिकल हैकिंग के लिए। ओके, समझ गया। सबसे पहला फेज इंफॉर्मेशन जितना कलेक्ट कर पाओ, उतना पब्लिकली अवेलेबल जितने भी इंफॉर्मेशन किसी के भी बारे में करो,
यहाँ पे भी देखो ओके ओके आ रहा है, ये दो आई थिंक कॉपी हो गए थे क्या, ये दोनों अभी मतलब वर्किंग कंडीशन। अभी तूने पहले भी तो करा था शायद। हाँ ये वही है। हाँ अच्छा हाँ ये पहले वाला दे रहा है। एंड कुछ और भी टूल्स हो सकते हैं, लाइक अगर हम ईमेल चेकर पे जाते हैं, एक होता है आई थिंक ईमेल चेकर, mailchecker.com, ओके, जीरो बाउंस नहीं, emailchecker.net, अगर इस पे भी जाते हो पेस्ट करोगे उस ईमेल को, ये भी चेक कर सकता है कि वैलिड है या नहीं। ट्राई करना दो तीन जगह चेक कर लेना, क्या पता है एक वेबसाइट तुमको गलत इंफॉर्मेशन दे दे, ये नहीं कर रहा है आई थिंक। मैं वही पूछने वाला था कि अगर वो हिप तो ईमेल क्रॉस चेक हिप देखो आ अलग गया, अलग रिजल्ट तरह यहाँ पे भी ओके आ रहा है उसका, ओके ठीक एक है, समझ में आ गया ना। और आग ट्राई करना इसका, अगर कहीं से किसी को एक्सेस मिलता है वर्किंग ईमेल का, तो वर्किंग ईमेल के थ्रू इस पे लॉग इन कर लो। फोन बुक भी बहुत ही अच्छा है, फोन बुक के थ्रू भी कर सकते हो। बाकी मैं ट्राई करूंगा, अगर कोई शॉर्ट वीडियो बन पाएगा तो मैं इसके एक्सटेंशंस, खासकर जो एक्सटेंशंस है लाइक सर्च इंजन ऑपरेटर्स के या ईमेल फाइंडिंग के, फोन नंबर फाइंडिंग के, वो सारा बता दूंगा एक दिन में, ठीक है। सब नॉर्मल ठीक चीजें हैं, बट प्रैक्टिस करो। है भाई, ये सब बताया गया होगा एक लेकिन मैंने क्लियर स्किप बिट कर भी दिया है ना, एक्सटेंशन। CH क्लियर बिट, हाँ क्लियर बिट भी अच्छा है, मैंने सुना हुआ है आई थिंक, देख क्लियर लेते बिट वो तो रूपांशु ने भी क्लियर बिट बताया था। होगा, जो भी होगा देख लेना, बाकी इतना काफी है। अगर तुम हंटर भी कर ले जाते हो, हंटर फोन बुक एंड दो तीन जो टॉप के हैं, उतना काफी है, बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। एंड वेरीफाई करना, जरूर करना वेरीफाई, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो ईमेल मिल भी रहा है, अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। ओके इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो बता दो अगर किसी को। अब ये और क्या बचा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फोन नंबर या कुछ और, मैं सोच रहा हूँ माल्डेगो करा दूँ, और स्कैनिंग कब से कराओगे? स्कैनिंग 2 से 4 दिन बाद करेंगे करेंगे हम, चलो ठीक ठीक, चलो ठीक। है, ओके।